स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का विंग से उड़ान चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर हम लोग हर दिन पॉलिटिक्स का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम दैट इज़ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के रिलेटेड जो भी चैप्टर स्पेसिफिक और स्ट्रक्चर बना करके हम लोग पढ़ रहे हैं, वो पैटर्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है दोस्तों। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से हमें पढ़ना भी है आगे, इन दोनों चीज़ों को लेकर के आप लोगों को दिमाग में रखना है। और काफ़ी इनकरेजमेंट और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों को इस एग्ज़ाम में इंडियन पॉलिटी बहुत श्योरली अच्छे से कवर्ड हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर्स बनाए हैं और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, आप लोगों को अगर इससे पहले पार्लियामेंट या बेसिक अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, पास्ट हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये सब चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। और काफ़ी ज़्यादा इट विल बी यूजफुल फॉर यू गाइज टू लुक आउट फॉर एनी अदर एग्ज़ाम, नॉट जस्ट फॉर द JKPSI बट फॉर एनी अदर एग्ज़ाम। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के बाद मैं शुरू करूंगा मैराथन सेशन, तो आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये एमसीक्यूज मैंने उस पैटर्न पे बनाए हैं जिस पैटर्न पर आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी रेलेवेंट है। जो हमने पढ़ा है उसी में से रेलेवेंसी को एक्यूरेट और प्रिसाइज क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, तो काफ़ी ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इसका जो कि B.R. अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग थे, बहुत बड़े लॉयर थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, वो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने किया था। तो ड्राफ्टिंग का जब भी नाम आए तो नाम क्या है, वो है B.R. अम्बेडकर। चलिए दूसरे ऑप्शन क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब जहाँ तक कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे कि हाउ मेनी मेंबर्स साइन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका आप लोगों को मैंने बताया था कितने थे, 294, 284, 274, 244। ये एंड में आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि इस चीज़ को मैंने 6 बार बताया था आप लोगों को। मैंने ये बताया था कि ये डेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये लास्ट में आप लोगों को ये पूछूंगा कि इसका आंसर क्या है, और वो आप ही लोग बताएंगे मुझे। बाकी जो थियोरेटिकल है उसको तो मैं करते जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नंबर वाले क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रहें, क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, अब ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमारे बने थे, ठीक है, सिन्हा साहब बने थे 1-2 दिन के लिए। लेकिन जो परमानेंट जो थे, और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, वही इंडिया के प्रेसिडेंट बने, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए, वॉट वॉज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मैंने आप लोगों को 3 से 4 बार बोला है कि इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो ये भी आप लोग मुझे एंड में इसके दोनों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग चैप्टर में, जब हम लोग साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने फॉरवर्ड किया था, वो थे M.N. रॉय। सिमन कमीशन तो बहुत बाद में आए थे, ठीक है, सिमन कमीशन जो था ये तो बहुत बाद में आए थे। राधाजी फार्मूला एक काफ़ी इररिलेवेंट है आपका इस क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो सिमन कमीशन गलत हुआ, ओनली M.N. रॉय सही हुआ इस क्वेश्चन को लेकर के, याद रखना आपको ये चीज़ें, ठीक है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल फीचर्स मैंने आपको बताया था कि फेडरल सिस्टम है क्या, ठीक है, जैसे कि हमारा पावर डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हो रखे हैं, जुडिशियरी के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच अमंग द फॉलोइंग नॉट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत से आप लोग सीधा क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग्स आर फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और आप इस फाउंड को समझ करके क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है नॉट लिखा है, ये नॉट को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के माइंड में, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इज नॉट फाउंड इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ड्यूअल सिटीजनशिप। अब ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब क्या हुआ कि मेरे पास उत्तराखंड का भी, जम्मू कश्मीर का भी मेरे पास एक अलग एक कार्ड बना हुआ है, और मेरे पास एक इंडिया का भी कार्ड बना हुआ है, नहीं, ये सिर्फ हमारा होता है USA में, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ड्यूअल सिटीजनशिप USA में, हमारे इंडिया में नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही है, आधार कार्ड। आधार कार्ड ही आपका एक आइडेंटिटी कार्ड है जो कि पूरे इंडिया का है, हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तो है ही भाई, इसको तो फेडरल सिस्टम के पार्ट ही कहा जा सकता है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो आंसर यही होगा हमारा, दिस इज नॉट फाउंड, ठीक है। चलिए, 7th क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद ये भी ऑप्शन है आपके, CD भी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी दोस्तों हमारा फेडरल सिस्टम है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रेम्बल में कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के बाद ही ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें रूल्स प्रोसीजर्स सब कुछ लॉज अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद जाकर के हम लोग उसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है प्रेसिडेंस में, अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था कि द गारंटर एंड द इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज आर सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज वेल। तो कोर्ट के पास तो इंटरप्रेट मतलब कि यहाँ से क्या वर्ड याद आता है आपको, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32, है ना, ये सब चीज़ें याद आती है, जहाँ पर हैबस कॉर्पस, रिट ज्यूरिडिक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने इसको लेकर के, ठीक है। तो ये तो है ही, ये भी पार्ट है भाई, अथॉरिटी है कोर्ट्स के पास के इंटरप्रेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, और कौन नहीं करेगा, यही करेंगे। तो हमारा इन चारों ऑप्शन में से हो गया ड्यूअल सिटीजनशिप आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। चलिए कंसिडर दी, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात यह है हमें दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते आ रहा हूँ ना, वो हर एक चैप्टर को लेकर के बहुत स्पेसिफिक होकर के मैंने किया है, क्योंकि इससे बाहर और इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, यकीन मानिए, ठीक है। बहुत रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली रेलिवेंट है काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन। तो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं उनके पास। प्रिविलेजेस मैंने आपको बताया था, जैसे कि आर्टिकल 19 है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हम लोगों को मिला है फंडामेंटल राइट्स में, उसी तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास भी प्रिविलेजेस है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हाउस का स्पीकर का लोकसभा का ये है कि उनकी प्रोसीडिंग्स जो है कहीं हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा, जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सबका अपना अपना है रोल। दूसरा ये है कि हाउस की जो भी मतलब एक प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उसके बारे में लिखना या आर्टिकल्स या जर्नल्स या न्यूज़पेपर में डालना, वो इनोसेंट तभी होगा जब बिल्कुल सही सही चीज़ें लिखी जाएगी। तो इसको कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए ये भी पढ़ लिया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब वही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पर मैंशनड है प्रिविलेजेस ऑफ मिनिस्टर्स एंड दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तीसरा हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड पावर टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, टू आर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है चीज़ों को बदलने के लिए, और कौन सा आर्टिकल याद आता है, आर्टिकल 368, ये आर्टिकल याद आता है ना इन सब चीज़ों से। तो अब इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसमें से जहाँ तक थ्री ऑप्शंस हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें थर्ड ऑप्शन में लिखना भूल गया था, ठीक है, लेकिन एक कॉमन सेंस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच, यस ही डज, प्रिविलेज है उसके पास, वो वहाँ पर अब किसी भी डिस्कशन में बोल सकते हैं, तो कॉमन सेंस है ये। पार्लियामेंट एज अ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ही हैज़ द प्रोटेक्शन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, तो ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वेस्टेड द पावर टू आर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। आर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बदलाव होनी है या अमेंडमेंट्स करने हैं या लॉज नए रूल्स लाने हैं या नए आर्टिकल्स बनाने हैं, वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा, तो ये भी सही है, क्योंकि ये तीनों तो सीधा पार्लियामेंट की ताकत ही दिखाते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए ऑल थ्री वर ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉट अ बेसिक फीचर, बेसिक फीचर मतलब जैसे मैंने इंटरप्रिटेशन बताया था ना, बेसिक फीचर किसने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कब निकाला था, ये केशवानंद भारती केस, मिनर्वा केस, मिनर्वा मिल्स केस, इन सब के बीच में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसी टाइम में इंटरप्रिटेशन निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी चीज़ को अमेंड कर सकता है, मतलब बदल सकता है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है, जुडिशियरी की पावर्स को लेकर के हो गया, फेडरलिज्म हो गया, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, विच इज़ नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो विच इज़ नॉट अ बेसिक, फंडामेंटल राइट्स है, बिल्कुल है भाई, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है भाई, तभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट पावर रहेगी ना उसके पास अपनी, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सके नए रूल्स एंड लॉज को, तो ये भी सही है। फेडरलिज्म सही है, क्यों, फेडरलिज्म से कैसे आप लगा सकते हैं दिमाग कि स्टेट और सेंट्रल के पास पावर डिवाइडेड है, नहीं तो कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर लेगा। अगर लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर का स्टेट पावर क्या है, स्टेट का पावर क्या है, तो फिर तो एक दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर करने लग जाएंगे ना, इसलिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि स्टेट के पास ये पावर होगी, सेंट्रल के पास ये पावर होगी। और दूसरी बात कि
डिफरेंस ये होना चाहिए, मतलब इस बात से हम लोग को समझ ये आता है कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम वर्जन ऑफ आर कंट्री, उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो एक अच्छा स्टूडेंट है ना, वो इस ऑप्शन को अपने आप कॉमन सेंस दिमाग लगा के समझ जाएगा। यहाँ पे बेसिक फीचर लिखा हुआ है, बेसिक फीचर से उसको याद आ जाएगा कि भाई बेसिक फीचर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा क्यों होता था, कि सिंपल चीज़ों को बदला ना जाए। यहाँ पर है दी अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट, अनक्वेश्चन, ये देखिए कितना इलॉजिकल, थोड़ा सा अजीब वियर्ड साउंड नहीं हो रहा, अनक्वेश्चन राइट, मतलब कोई सवाल ही नहीं कर सकता पार्लियामेंट कुछ भी करे। अरे पार्लियामेंट कुछ भी कर रहा था, अमेंड कर रहा था, तभी तो बेसिक फीचर आया ना सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, तो ये तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो ये है, इट्स नॉट अ बेसिक पार्ट, देयर सुप्रीम कोर्ट कैन कैन हैव द राइट टू क्वेश्चन पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन अमेंड एनी पार्ट बट विदाउट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बता भी चुका हूँ मैं आप लोगों को, है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा द अनक्वेश्चन राइट। देखिए, जब वहाँ वियर्ड वियर्ड लगे ना आपको कुछ भी ऑप्शन में, समथिंग थोड़ा सा अजीब सा वियर्ड सा, समझ जाइए कि वही आंसर है, ट्रिक है एक तरीके से। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सिस्टम जो है हमारा, मैं बता रहा हूँ फेडरल में, इसलिए गौर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पेपर में ना, जेके पीएसआई में फेडरल सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी हो सकता है, कि पावर्स का डिवीजन क्या हुआ है और उसमें किस 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 तरीके का मेंशन है फेडरलिज्म में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझना सबके लिए, ठीक है। चलिए, देर आर टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यस, एक हमारा हो गया सेंट्रल और एक हमारा हो गया स्टेट गवर्नमेंट, चलिए तो वैसे ही सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई फेडरलिज्म मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ये याद रखिएगा, फेडरलिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन फेडरलिज्म क्या है वो हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, एज एन लाइक डिवीजन ऑफ पावर्स, हम लोगों ने स्टेट सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, है ना, फेडरल सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, वो क्या है, वो डिवीजन ऑफ पावर्स ही तो है, उसी को तो कहते हैं हम लोग फेडरल सिस्टम, है ना, तो क्लियरली डिफाइंड तो हो ही रखा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही हुआ यहाँ पर। उसके बाद, देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी इस ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, थोड़ी लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस प्रोविजन एंड आर्बिट्रेटिंग इन मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, ये तो सही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है भाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटरप्रेट जो है, फाइनल इंटरप्रेटर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट हमारा, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लॉज एंड प्रोसीजर्स को लेकर के, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, राइट टू प्राइवेसी का केस वहाँ से आता है, ठीक है, राइट टू डिग्निटी का आता है जो कि आर्टिकल 21 हुआ हमारा, तो ये सारे कहाँ से आते हैं, वहीं से तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरप्रेटर तो कौन सुप्रीम कोर्ट ही हुआ हमारा, तो भाई ये ऑप्शन तो सही है बिल्कुल भी। रही बात थर्ड की, देर इज़ अ नो सेपरेशन, मैंने आपको चीख चीख करके हमेशा बताया था स्टूडेंट्स की देर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, देर इज नो थ्री पिलर्स ऑफ आर डेमोक्रेसी, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, और तीनों का इंटरफेरेंस एक दूसरे में कहीं नहीं है, ना होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है विच इज नॉट अ करेक्ट, नॉट पे ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल मतलब क्या है, आपके अंदर की एक 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 मतलब एक अच्छी बात आपके अंदर जो कि आपको गाइड करे, आप कुछ भी गलत ना करें, आप अच्छा करते रहें, कि आपको डायरेक्शन मिलती रहे हमेशा, अंदर से कहते हैं अंदर से आवाज़ आ रही है, तो अंदर से आवाज़ तो उसको सोल कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है हमारा उसका भी हमने एक सोल बनाया हुआ है, कि यार वहाँ से डायरेक्शंस निकाली जाए, जहाँ से अच्छी बात हमने लिख दी हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, या कभी भी इंटरप्रेट करना हो तो उससे इंटरप्रेट किया जाए, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सिर्फ एक को कहा है, किसको कहा है हम लोगों ने, दैट इज प्रीएम्बल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को तो कह ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारा हो गया 32 आर्टिकल, है ना। डीपीएसपी तो हमारा है बेसिकली गवर्नमेंट्स के लिए, कि गवर्नमेंट को किस तरीके से अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए, क्या ध्यान में रख करके, यहाँ पर प्रीएम्बल है जो कि एक फिलोसफिकल पार्ट भी है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, वी एज इंडिया, है ना, ऑन 26 नवंबर 1949 वी डिवोट अस टूवर्ड्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन हेयर बाय, तो ये सब कहाँ लिखा है हम लोगों ने, ये सब प्रीएम्बल में लिखा है, तो प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहीं से सब कुछ एक बनाया गया है, कि भाई यहाँ पे जो बातें लिखी गई है वही आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकनी चाहिए,
विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, अब मैंने उस वक्त बताया था कि राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से हैं, 14 to 18, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको याद होगा। तो आर्टिकल 13 तो वैसे ही बाहर हो गया, आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। तो बस आंसर हो गया आपका 2, 3, 4, है ना, तो सी हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरेशन ऑफ, ये जो फेडरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं इतना, ये बेसिकली पता है हम लोगों की बहुत सारे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बाहर से गैदर किए हैं, है ना, चाहे वो DPSPs हो हमारा आयरिश गवर्नमेंट से, या हमारा प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट का रिमूवल इम्पीचमेंट हो, या पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो फेडरेशन हमने कौन सी कंट्री से लिया है याद करिए, ये सब थ्योरी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोगों ने लिया है कैनेडियन, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ फेडरेशन ऑफ कैनेडियन टाइप, ये क्वेश्चन आ सकता है याद रखिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं ये। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 19 क्या है बताइए, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बताया था मैंने आपको एक्सप्रेशन, है ना। चलिए, तो आर्टिकल 19 तो वैसे ही नहीं हुआ, आर्टिकल 14 क्या है, अभी अभी बताया आपको, राइट टू इक्वालिटी है, तो ये भी नहीं हुआ। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू प्रेवेसी जो आता है इसमें, है ना, राइट टू प्रेवेसी, राइट टू डिग्निटी, बहुत सारे हैं इसमें पार्ट्स। ठीक है, राइट टू लाइफ, सब कुछ है इसमें, ये भी नहीं हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मतलब क्या हुआ, आपका फंडामेंटल राइट को अगर गलत किया जा रहा है या कोई उस पर क्वेश्चन कर रहा है तो आप केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और उस टाइम पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लीगल राइट के लिए अगर हुआ है तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा, सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 32 खुद एक अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, रेमेडी मतलब एक सॉल्यूशन उसके लिए, जो मतलब एक जो चीज़ हो रही है, कुछ हो गया है ऐसा, तो उसको ठीक करना, ठीक कैसे किया जाए, तो कौन किसके पास जाना ठीक करने के लिए, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 इज द राइट आंसर। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड, मैंने आप लोगों को पंचायती राज में बताया था कि हमारे 12 शेड्यूल्स हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टाइम में 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज के टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं, है ना, बताया था ना मैंने आपको कि सैलरी एंड अलाउंसेज सेकेंड शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल में हमारा नेम एंड यू नो नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, है ना। तो आपको बताया था मैंने कि पंचायती राज जो है वो सबसे आखिरी में आया था, एक कॉमन सेंस को अगर आप कॉमन सेंस में लगाएंगे तो यार ये भी सोचेगा कि यार पंचायती राज पहले तो आया नहीं, तो सबसे आखिरी में लेटेस्ट आया अभी पंचायती राज और म्यूनिसपैलिटी, तो यार लास्ट ही होगा, तो लास्ट कौन सा इसमें लग रहा है आपको, 11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल हुआ। लेकिन 8th शेड्यूल क्या है, ये है लैंग्वेज, जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, ठीक है। 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल और 11th शेड्यूल, ठीक है, तो 11th शेड्यूल इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with citizenship in India? Citizenship of India, खुद एक कॉमन सेंस लगाइए कि citizenship एक constitution में चालू हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो citizenship को define किया जाएगा ना कि यार इस country का citizen वो कहलाएगा, बाद में fundamental rights है ना, पहले तो citizen बनाना है, कि citizen का दिखाना है कि citizen कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, पहले तो वो दिखाना है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 डील करता है हमारा citizenship से, ठीक है, याद रखिएगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अमेंडमेंट प्रोसीजर, मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट पावर है, ठीक है, कि वो किसी भी लॉ रूल्स को अमेंडमेंट, जो बिल है या फंडामेंटल राइट्स है उनको बदल सकता है, एक्सेप्ट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोग पढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जुडिशियल रिव्यू में, है ना। तो हमेशा मैंने बताया कि एक आर्टिकल 368 होता है आपका, जो कि अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास, और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, आप लोगों को ये याद रखना है। आर्टिकल 352 किस चीज़ का है बताइए, याद किया होगा कुछ लोगों ने, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी में आता है ये, 368 आपका आंसर हो गया, ठीक है, बस याद रखना है आपको। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत बार बार मैं कह रहा हूँ, यही आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ध्यान से करिएगा इन क्वेश्चंस को। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ पास्ड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच वायलेशन, आप लोग को याद होगा कि जब मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था फंडामेंटल राइट्स को, तो मैंने आपको बताया था कि यार एनी लॉ, एनी राइट दैट हैज़ बीन मेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हमने कोई राइट बना दिया तो वो अपने आप में वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, बताया था ना, याद आ रहा है आपको, वॉइड मैंने ये वर्ड यूज़ किया था उस टाइम पर, दैट इज आर्टिकल 13।
जिनको याद होगा वो अटेम्प्ट कर गए होंगे। आर्टिकल 14 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 18 भी राइट टू इक्वालिटी है ना। आर्टिकल 12 क्या था आपका? आर्टिकल 12 था गवर्नमेंट नेम ऑफ दी एजेंसी, एज इन लाइक स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को कौन कौन चीज़ों को तुम गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका आंसर हो गया हमारा आर्टिकल 13। चलिए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन इन विच फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर है हमारा है कि इनमें से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वो है आपका आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर आपके डिस्प्यूट्स हो गए जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के या सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में किसी बिल को लेकर के या कोई एक कुछ भी ऐसा प्रोविजन है उसको लेकर के एक फाइट हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा करके केस कर सकते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दो स्टेट्स हो, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, मतलब कि सिर्फ वहीं सुप्रीम कोर्ट ही उस पर अपना रूलिंग या जजमेंट दे सकता है और वो अबाइडिंग होगा, है ना। चलिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अब इसमें भी हाई कोर्ट की, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, अब यहाँ पे इशू रिट्स थी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कौन से आर्टिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा टू इशू रिट्स टू द पीपल, है ना। तो उसका हमारा आंसर क्या होगा इसमें? अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, अंडर आर्टिकल 15 जो है वो तो फंडामेंटल राइट है आपका, आर्टिकल 32 है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, आर्टिकल 35 उसके बाद हो गया, और आर्टिकल 226 जो है ये दोस्तों होगा आपका हाई कोर्ट का। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 था ना हमारा, सुप्रीम कोर्ट का हमारा कौन सा था? आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का। उसी तरीके से हमारा हाई कोर्ट का कौन सा हो गया? आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 की बात हो तो याद रखिएगा ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है, ठीक है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मैंने उस वक्त ही बता रखा था आपको कि विच आर्टिकल सुप्रीम, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट साहब को किसी बिल या किसी लॉ को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल बैठे, टीम बैठे, और वो बताए, उन्हें हेल्प करे, गाइड करे, ठीक है। तो ये हो गया एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कंसल्ट मतलब कि एडवाइजरी। यहाँ पर भी दो पार्ट्स होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर में अपनी एडवाइजरी देगा या नहीं देगा, और एक पार्ट होगा जहाँ पर उसको देना ही देना है, मतलब वो उसके पास एक ऑप्शन नहीं है कि वो ना दे, देना ही देना है उसे। तो इसमें कौन सा आर्टिकल 32 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आर्टिकल 132 जो है ये हमारी दूसरी चीज़ हो गई, ये कौन आ जाता है हमारा? आर्टिकल 132 हमारा सुप्रीम कोर्ट में आ जाता है। आर्टिकल 143 है ना, आर्टिकल 143 के अंदर आता है ये, कंसल्टिंग प्रेसिडेंट कोर्ट कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा है हमारा इसका आंसर, आर्टिकल 143। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है आपके पेपर में, याद रखिएगा जब भी कंसल्ट की बात हो ना और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की बात करें, 143 143 है ना, ये याद रखिएगा डिजिट साहब। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। अब मैंने शेड्यूल्स आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कुछ में आप लोगों को पता भी होगा और बहुतों को कुछ पता भी नहीं होगा शेड्यूल्स के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा बोला है पंचायती राज का, म्यूनसिपैलिटी का, सैलरी एंड अलाउंसेस का, नेम ऑफ द टेरिटरीज एंड यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो चलिए आइए मैं इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, याद रखिएगा, नॉट का बार बार मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेजेस एट शेड्यूल, फॉर्म्स ऑफ वोट आर मेंशन इन सेकंड शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फोर्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन टेंथ शेड्यूल। अब हमें बताना है कि ये जो चीज़ें हैं ये इस कौन से, क्या इसके सामने शेड्यूल मैंशन है, क्या वो सही उसी में है कि नहीं है, ठीक है। लैंग्वेजेस जी बिल्कुल एट शेड्यूल में है हमारा, तो ये तो बिल्कुल ठीक हुआ, हमारे एट शेड्यूल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज कर चुका है। कितने हैं टोटल अभी तक? 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन, ये मैंने बताया था कि कस्में वगैरह खाई जाती हैं, है ना, कि मैं अपनी जो जॉब है उसको बहुत श्रद्धा और मतलब अनबायस्ड होकर के उसको डिस्चार्ज करूँगा, तो ये सेकेंड शेड्यूल में होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों याद रखना है आप लोगों की सेकेंड शेड्यूल में क्या था, बताया था मैंने आप लोगों को, याद करिए, सैलरी एंड अलाउंसेज। यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ वोट जो है वो थर्ड शेड्यूल होगा, सेकेंड शेड्यूल नहीं होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फोर्थ शेड्यूल, ये ट्रू है आपका, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन के बारे में बताया है मैंने, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 और डिफिकेशन केस, ये दोनों मैंने अच्छे से बताया था, और ये भी उस टाइम में बताया था कि डिफिकेशन जो वो टेंथ शेड्यूल में मैंशन है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होता है हमारा? नॉट करेक्ट पूछा गया है,
फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज ये जो है हमारा वो है हमारा थर्ड शेड्यूल में, याद रखिएगा। चलिए 23rd क्वेश्चन है, 11th शेड्यूल वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉरेस्पॉन्ड्स टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब व्हेन यू हैव रेड अबाउट द पंचायती राज सिस्टम, और मेनी ऑफ यू हैव मस्ट नॉट हैव रेड, बट इन द मीन टाइम व्हेन आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू गाइस, मैंने ये बताया था उस टाइम पे कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है 11th शेड्यूल बना है पंचायती राज के लिए, तो 73rd उसी के लिए बना था, तो ये तो सही हो गया आपका। 73rd एंड 74th, 74th किसके लिए था, वो था हमारा म्यूनसिपैलिटी के लिए, 73rd था हमारा पंचायती के लिए, है ना, तो ये तो सही हो गया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट से हमारा 11th शेड्यूल बना है। दो शेड्यूल्स बने थे लास्ट में, 11th एंड 12th, 11th पंचायती राज, 12th म्यूनसिपैलिटी के लिए, बता चुका था ना आपको। चलिए तो पहला ऑप्शन ठीक हुआ। सेकंड ऑप्शन, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोरस्पॉन्ड्स टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, आर्टिकल 243W किसका बिलोंग करता है, म्यूनसिपैलिटी का, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पर 12th शेड्यूल लिखा होता ना, द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉरस्पॉन्ड्स टू आर्टिकल 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही होता, लेकिन 11th शेड्यूल लिखा गया, मतलब कि 243W जो है वो तो हमारा म्यूनसिपैलिटी में आता है, पंचायती में नहीं, तो इसका ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द थ्री लिस्ट दैट डिवाइड पावर्स बिटवीन द यूनियंस एंड द स्टेट्स। अब शेड्यूल्स में ये भी है कि हमारा डिवीजन ऑफ पावर, जैसे यूनियन सब्जेक्ट हो गया, है ना, स्टेट लिस्ट हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, तो ये भी मैंशन है हमारे बहुत सारे शेड्यूल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कौन से शेड्यूल में मैंशन था ये थ्री, वो हो गया हमारा 7th। ठीक है, 8th तो हमारा लैंग्वेज का था, पता चल गया हमें, तो 8th तो बिल्कुल नहीं होगा, 5th जिसने पढ़ा होगा वो बता देगा, 6th भी जिसने पढ़ा है वो बता देगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 7th इज द आंसर। विच टर्म इज नॉट यूज इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जिसने प्रेम्बल भी देखा होगा ना दोस्तों, आपको प्रेम्बल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेट आपने याद ही कर लिया, November 1949, है ना, उसके बाद वो कुछ वर्ड्स याद रखने जो कि यूज किए गए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा इससे। रिपब्लिक था, ठीक है, सोशलिस्ट था, इंटेग्रिटी और फेडरल की बात हो रही है, ठीक है, तो इंटेग्रिटी था क्या उस टाइम पर, बताइए, सोच के बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। द फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अब फिलोसफिकल फाउंडेशन है मतलब कि जहाँ से फिलोसफी मिल रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स फिलोसफी नहीं है, वो तो अधिकार है लोगों का, तो वो तो फिलोसफी हो नहीं सकती है, DPSP फिलोसफी का है, लेकिन वो फाउंडेशन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये वर्ड यहाँ पर पकड़ना आपको, फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फाउंडेशन मतलब कि क्या हुआ हमारा, प्रेम्बल हुआ, ये तो पार्ट्स हैं सब, फेडरल तो पार्ट्स है, देता कौन इन सब चीज़ों को, वो है प्रेम्बल, है ना। तो और दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो था विच टर्म इज नॉट यूज इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका दोस्तों आंसर है आपका इंटेग्रिटी, है ना। चलिए Which one of the following liberties is not embodied in the preamble of the Constitution of India? अब क्या प्रेम्बल में mentioned नहीं है वो भी हम लोग पर देख लेते हैं। Liberty of thought है, liberty of expression भी है, ठीक है, liberty of belief भी है। Economic liberty थोड़ा सा weird सा लग रहा है कि यार ये शायद नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, economic liberty ही नहीं है आपका, बाकी सब mentioned है ना। तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। कमेंट्स में जो एक दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर आप लोग रिलीजियसली मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो मुझे रिप्लाई करिएगा कमेंट में, आप लोग बता देंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंने आपको बताया है, मैंने शायद गलत बताया आप लोगों को या सही भी बताया है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, जिसने रिलीजियसली पढ़ा होगा वो बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देगा, मुझे अपने आप समझ जाएगा इन दो क्वेश्चन का कि क्या स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ भी रहे हैं या आप लोग से बस ऐसे बस वीडियोज़ देखते जा रहे हो, यार कर कुछ नहीं रहे हो, बस देखते जा रहे हो वीडियोज़, देखने से नहीं होता, प्रैक्टिस भी करना होगा आप लोगों को साथ साथ में, है ना। तो दोबारा मिलते हैं आप लोग, हम दोबारा मिलते हैं एक अलग मैराथन सेशन से, और उसमें फिर डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपना। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि।